एक टैब का ऑप्शन आता है, अगर आपके पास टैब ऑप्शन नहीं है ना, तो आपने यहाँ से जैसे ऐड हो रहा होता है ना, इससे आपने जाके ऐड कर लेना। यहाँ से आप ऐड करें, यहाँ पे आएगा साइन इन या विद कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट। आपने कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट करना है। यहाँ पे आप अपने अकाउंट का नाम दे दें, जैसे मैं दे देता हूँ जी डिजिटल मार्केटिंग क्लास, और यू कैन से एनीथिंग। ठीक है, आपने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे इसका नाम दे देना है, कलर सेलेक्ट करना है, डन कर देना है। आपके पास ना अब ये टोटल एक नई विंडो ओपन हुई है, जिसका एक्सेस आपके गूगल के ब्राउज़र के कैशे में नहीं अवेलेबल। ठीक है, इसके कैशे में इस ब्राउज़र का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं जीमेल आईडी पे। इट मींस कि अब आपने जीमेल आईडी क्रिएट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा क्रिएट एन अकाउंट और फॉर वर्क, दो चीज़ें आएंगी। ठीक है, आपने यहाँ से जाने की बजाय आपने करना ऐसे है कि यहाँ पे आएंगे गूगल बिजनेस अकाउंट। ठीक हो गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, आप यहाँ से जाके इसको क्लिक करें। यहाँ से आप करें यहाँ साइन इन या मैनेज नाउ, यहाँ से आप इसको साइन इन करें। अब आपके पास तो ऑलरेडी कोई आईडी नहीं है, आपके पास कोई आईडी नहीं है, आपने करना है क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे फॉर माय वर्क और बिजनेस। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने कोई भी नेम सोच के रखना है, लाइक इट कुड बी एनीथिंग। जैसे कि हमने कल डिजिटल थिंक बनाया था, और यानी कि थिंक डिजिटल बनाया था, आज हम बना लेते हैं व्हाट वी कैन डू, हम बना लेते हैं डिजिटल थिंक एसेंसी सेंस, डिजिटल थिंक सेंस। अच्छा, यहाँ पे वो कहेगा कि आपके पास ऑलरेडी जीमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, पहले वो ये कह रहा है, आपने कहना है क्रिएट अ न्यू जीमेल आईडी इंस्टेड ऑफ इट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं कहूँगा डिजिटल थिंक एस एन सी सेंस। ठीक हो गया, मुझे बिना उसके एक एक्सेस मिल गया। नाउ आई हैव टू क्रिएट द पासवर्ड एंड नेक्स्ट। मैच नहीं हुआ, आप यहाँ पे देखो, ये आपके पास ऑप्शनल आता है, ये बिल्कुल ऑप्शनल ही आता है। ये आपको बार बार नहीं कहेगा कि आपने फ़ोन नंबर ऐड करना है। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ वो रखनी है दैट यू कैन ईजीली रिमेंबर। तो मैं तो ये ऐड सिर्फ करना चाहो तो नंबर ऐड कर सकते हैं। नंबर ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको नंबर ऐड करने का नुकसान बाद में होता है, क्योंकि गूगल से डेटा जो है वो लीक तो नहीं होता, लेकिन आप दोबारा वो नंबर गूगल के किसी अकाउंट पे दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी अपनी पर्सनल ईमेल आईडी क्यों ना हो। ठीक है, सो नेवर एवर ट्राई टू ऐड द नंबर इन द बिजनेस अकाउंट। मैंने कॉल कर लिया है। कोई इशू नहीं, वो डिलीट हो जाता है बैक से। इसको हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन आई अग्रीड। ठीक है, इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। यहाँ पे मैंने अब देना है डिजिटल थिंक एस एन सी सेंस। मैं यहाँ से इसको क्रिएट करूँगा, कंटिन्यू। मुझे यहाँ तीनों ऑप्शंस में से ना ना इसको सेलेक्ट करना है। क्यों नहीं सेलेक्ट करना? क्योंकि हमारा ऑनलाइन कोई रिटेलर स्टोर नहीं है, लोकल स्टोर हमारा नहीं है, हमारी है सर्विस बिजनेस, हम सर्विसेज दे रहे हैं। नेक्स्ट। इसके बाद वो कहेगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। यहाँ पे ना मिलियंस ऑफ कैटेगरीज अवेलेबल है, 1 मिलियन से ज़्यादा कैटेगरी अवेलेबल है, लेकिन गूगल किसी और कैटेगरी को रैंक नहीं करता इन एशिया स्वाय टेक्नोलॉजी पार्क के। इसके अलावा ये किसी भी कैटेगरी को रैंक नहीं करता पाकिस्तान में। उसकी मेजर रीज़न एंड मेजर फ्लॉ ये है कि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ थर्ड वर्ल्ड अलहदा से। इसको थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान के अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस हैं, जो कि बाकी कंट्रीज़ के। एक्चुअली होता पता है क्या है? जो यूएई अगर आप जाओ ना, तो पाकिस्तानी इसको कंसिडर किया जाता है एज अ थर्ड वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि दे हैव देयर ऑन इनोवेशंस, दे हैव देयर ऑन रूल्स, ऑन कैटेगरीज। अब इवन कराची को, कराची में और लाहौर का कंपैरिजन ऐसे है कि कराची हमसे 25 साल आगे है, कराची हमसे 25 साल आगे है, और कोयटा हमसे 10 साल आगे है। डिजिटल पूरी टेक्नोलॉजी में द कराची इज़ वे 25 ईयर्स अहेड फ्रॉम लाहौर इस्लामाबाद। मतलब पंजाब से सिंध जो है ना, अगर जेनेरिकली कंसिडर किया जाए तो 15 साल आगे चल रहा है सिंध। ज़्यादातर ऑनलाइन नहीं, वो एक अलग,
कहानी है, वो टेक्नोलॉजी उनकी कोहर्ट यूनिवर्सिटी जो सिंध की है, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज दे हैव, आई टीच ओवर देयर, तो जब वहाँ पे गया तो रिबॉट्स जो हम यहाँ पे बच्चों को एमफिल में जाके बनाना सिखाते हैं वहाँ पे बैचलर्स में बन रहे हैं, वो बैचलर्स में उनको रिबॉटिक्स AI और बाकी सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे जाके उनको एमफिल में वो चीज़ पढ़ाते हैं. दैट्स वाई द सिंध इज़ 15 ईयर्स अहेड फ्रॉम एनी ऑफ द पाकिस्तानी सेक्टर. हम यहाँ से सिर्फ टेक्नोलॉजी पार्ट को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, कंटिन्यू करके आगे आएंगे. इसके बाद इस सर्च एरिया में आपने कुछ नहीं देना. क्यों नहीं देना? क्योंकि आपका ना ऑनलाइन स्टोर नहीं है. यहाँ पे सिर्फ तभी काम करते हो जब आपका ऑनलाइन कोई स्टोर अवेलेबल होता है. अब आपका भी यही है, व्हेयर डू यू सेल योर कस्टमर, मकसद भी यही है. मकसद भी उसका यही है. आपका ऑनलाइन कोई स्टोर नहीं है, आपकी ऑनलाइन सिर्फ सर्विसेज हैं. तो इस वजह से आप इसको ब्लैंक कर देते हो. अगर गलती से आपने इसमें कोई भी स्पेसिफिक एरिया लिख दिया तो आपका स्टोर उसी स्पेसिफिक कंट्री के, उसी स्पेसिफिक सिटी के, उसी स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए. अदरवाइज़ आपका गूगल आपका पूरे लैपटॉप का जो फ्रेम होता ना उसको कभी किसी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड करने नहीं देगा. लैपटॉप फ्रेम किसको कहते हैं? हर लैपटॉप का, हर सिस्टम का एक IP एड्रेस होता है. ये इसके साथ ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा लोकेशन के साथ. सो वो कभी रजिस्टर्ड नहीं करके देगा फिर. मैंने इस पर गुड हो गया फिर आपका बिजनेस यहीं पे चलेगा. फिर आप जब भी ऐड चलाओगे ना वो पाकिस्तान से बाहर की ऐड ही नहीं चलाएगा. चेंज हो जाएगा. यहाँ पे जाके हम पाकिस्तान करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं. हम पाकिस्तान से बहुत इजीली सस्ती ऐड्स उठा सकते हैं. अच्छा जी, यहाँ पे आपने नंबर अटैच करना होता है. असल कहानी ये है. क्यों? क्योंकि आपको ना यहाँ से वेरीफिकेशन चाहिए. दैट्स वाई यू नीड अ नंबर. 3217388697. नेक्स्ट. यहाँ पे आपने किसी को क्लिक नहीं करना. कंटिन्यू. वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देना है क्योंकि हमने ना यहाँ से उसको रजिस्टर्ड करना वेरिफिकेशन के लिए. अब यहाँ पे मुझे एड्रेस देना है तो मैं ऊपर वाले ऑफिस का एड्रेस देता हूँ. 104 सूट 2. वेबसाइट ऑप्शनल था. वो ऑप्शनल रहेगा. लिंक ARCAD लिंक आर्केड सेक्टर मॉडल टाउन सिटी लाहौर 54700. मैं ये करके नेक्स्ट पे आ जाऊँगा. अब मुझे वो इस पर कॉल या टेक्स्ट, मैं टेक्स्ट भी करूँगा तो मुझे कॉल ही आएगी. नहीं, वो एग्री नहीं करना. बस कंटिन्यू करना. थैंक यू फॉर यूजिंग गूगल साउंड वेरिफिकेशन. रिमेंबर यू शुड नॉट शेयर दिस कोड विद एनीवन एल्स एंड नो वन फ्रॉम गूगल विल एवर आस्क फॉर दिस कोड. योर कोड इज. ये मुझे फेक नंबर से कॉल आ रही है. 5 1 5 9 3. Again, मैं इसको वेरीफाई करने लगूंगा. वेरीफाई नहीं. 5 1 5 9 3. कल जैसे कहा था कि जैसे अगर आपके उसमें 5 आ गया आपका कॉड वेरीफाई नहीं होता. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि ये क्यों ऐसा करते हैं. ये सिर्फ ये चेक करते हैं कि यू आर अ ह्यूमन और नॉट. सर हम स्ट्रीट एड्रेस पे क्या करें? स्ट्रीट एड्रेस में आप अपने घर के आसपास कोई भी ऐसी कोई शॉप है जो कि यू कैन इजीली यूज उसका डाल सकते हैं एड्रेस. अभी किसका डाल रही है? वाईफाई का पासवर्ड है PFTP A1 आ रहा होगा. उसका पासवर्ड है एक्सप्रेस ई कैपिटल है EXPREESS@321. आप क्या कह रहे थे? घर के आसपास कोई खाली प्लॉट है उसका डाल दें या इसी ऑफिस का डाल दें. 101 लिंक आर्केड 101 एक्सप्रेस @321. ई बड़ा सिटी लाहौर पोस्टल कोड 5 547. सेक्टर में मॉडल टाउन. हेलो
लाहौर 5 4 7 9 1 9 3 3 again your code is 7 9 1 9 3 3 goodbye. अब वो 5 वाली कहानी समझ रहे कि 5 जब भी होगा वो वेरीफाई नहीं करेगा। इवन इवन हो या 5 हो बीच में ये इशू करते हैं क्योंकि ना ये एक्चुअली आपको सिर्फ चेक करते हैं आर यू द ह्यूमन और अ रोबोट। 0 0 होगा, 0 0 भी नहीं होगा, वही वेरीफाई नहीं होता। अच्छा यहाँ से आपने अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना, इसको भी आप स्किप कर देंगे, मैसेज को नेक्स्ट कर देंगे, इसको आप स्किप कर दोगे, सॉरी इसको स्किप नहीं करना था, किधर गया बैक, उसमें ना आपने अपना उसका हैशटैग यूज़ करना है, इसको स्किप करना है और कंटिन्यू, ये आएगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, जैसे ये मेरा फिर आ गया क्योंकि मेरा बिज़नेस यहाँ पर रजिस्टर्ड है ना, तो मुझे ये देगा कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, आपका आएगा योर अकाउंट इज़ नॉट विजिबल टिल नाउ, वो 3 डेज लेगा विजिबिलिटी के लिए, ठीक है। अब मुझे इसको दोबारा सेट करना पड़ेगा, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में जाके एक चीज़ ऐड करनी जो मैं भूल गया था वो ऐड कर दूँगा, इट्स डिजिटल थिंक सेंस, इसको सेव कर दिया और यहाँ से मैं गूगल लोकेशन से मैप, क्योंकि उसने मेरी बिज़नेस लोकेशन ही उड़ा दी है ना, तो मैं बिज़नेस लोकेशन यहाँ पे ऐड करूँगा 101 100 लिंक आर्केड सूट 2 सेक्टर मॉडल टाउन लिंक रोड लाहौर 54700 ठीक है। ये मेरा सिर्फ इस वजह से था, जैसे ये है ना, ये मुझे मंडे तक ये वाला बिजनेस भी और जो हमने कल बनाया था वो भी ये सस्पेंडेड से निकल के मुझे वापस मिल जाएगा। ये वो तरीका था जिससे आपने ना अपना गूगल का बिजनेस आईडी क्रिएट करना है, ठीक हो गया, गूगल आपका बिजनेस आईडी क्रिएट कर देगा। अब आ जाते हैं वापस फेसबुक के पेज के ऊपर। सर ये डोमेन का भी पूछते हैं, आपकी डोमेन है, डोमेन हम बाद में परचेज़ करेंगे, डोमेन और होस्टिंग जो है ना हम बाद में परचेज़ करते होते हैं, उस में एक स्टेप है। ये फेसबुक पे कह रहे हो? नहीं, इस पर तो डोमेन अभी नहीं है, उसको स्किप कर दो क्योंकि जो बाद में हम ना होस्टिंग एंड डोमेन्स वगैरह जो है चीप होस्टिंग एंड डोमेन्स वगैरह परचेज भी करते हैं। मेरा बैग चला गया। कहाँ से? एंटर अ बिजनेस कैटेगरी से। तो यहीं से दोबारा स्टार्ट करने जो था। ये बिजनेस कैटेगरी में जाना था? बिजनेस टेक्नोलॉजी पार्क। अच्छा अब यहाँ से हम क्रिएट करेंगे पेज। अच्छा मैं तो फिर उसी आईडी से कर रहा हूँ, नहीं आपके पास जो आईडी से उससे करते हैं, एक मिनट, जैसे आपकी आईडी से होती है वैसे करते हैं पेज क्रिएट। जैसे कल हमने ये पेज क्रिएट किया था डिजिटल थिंग का, इसको भी दोबारा क्रिएट करते हैं। अब ये देखिए मेरे पास वही ऑप्शन आ गई, जैसे मेरी कल ये ऑप्शन नहीं आ रही थी ना, आज मेरे पास वही ऑप्शन आ गई जो कि मोस्टली लोगों की और तरह आ रही होती है। यहाँ पे इसका पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान आ रहे हैं तो ऐड ही नहीं होता, पाकिस्तान यहाँ पर नहीं ऐड करना, यहाँ पे ऐड कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इधर स्किप कर देंगे। अब यहाँ से पेज क्रिएट करते हैं, इफ़ यू आर रेडी देन वी आर गोइंग टू क्रिएट द पेज, और साथ ही मैं ओपन कर लूँगा कैनवा को भी। फर्स्ट हमें एक चीज़ चाहिए, लोगो क्रिएशन, हम यहाँ पे एक लोगो क्रिएट करते हैं। अच्छा ये लोगो हम इंटरनेट से भी उठा सकते हैं और अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें चाहिए DTS का, DTS, मैं गूगल पे डायरेक्ट जाके लोगो लिखूँगा तो हो सकता है कि मुझे कोई अच्छा सा एक लोगो मिल जाए जिसको मैं अभी फॉर द टाइमिंग यूटिलाइज कर सकूँ।
बाद में उसको चेंज कर लूँगा। ये मेरे पास एक TTS का एक अच्छा लोगो जो है ये मेरा यूटिलाइज हो सकता है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मुझे यहाँ से अब चलने लोगो तो मिल गया, अब मुझे चाहिए सिर्फ गूगल इससे फेसबुक का कवर। उसमें 5 होगा ना, 7 वाला है, 2 आ गया। दोबारा मंगवा रहा कोड। अब मैं यहाँ से फेसबुक का एक कवर अपडेट करूँगा, ट्राई करूँगा कि मुझे यहाँ से कवर मिल जाए जैसे कल मिल गया था। अब जैसे कि आई नीड अ कवर, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ DTS Tech, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और अब फेसबुक की पेज की मेकिंग पे आते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ DIDIDR Digital Think Sense। ठीक हो गया, मैंने इसका नाम ये रख लिया। पेज कैटेगरी, अगेन पेज कैटेगरी में ना हमने ध्यान रखना है कि वी जस्ट हैव टू मेक श्योर, इसको स्किप कर देंगे, कि यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, सेकंड मीडिया न्यूज़ मीडिया वेबसाइट, थर्ड वन न्यूज़ मीडिया एंड वेबसाइट, और यहाँ पे जो लास्ट कैटेगरी में आएगा दैट इज़ कंप्यूटर कंपनी। कंप्यूटर कंपनी का मतलब होता है कि दैट यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज, दैट यू कैन प्रोवाइड एनीथिंग। पहले का मतलब होगा कि आपका जो बिज़नेस है ना वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है। दूसरा, आप वहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ अपडेट कर सकते हो, द फेसबुक विल अलाउ यू। थर्ड, आप कंप्यूटर कंपनी रखने का मकसद ये होता है आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, आप उसको कोई डिजिटाइज कर सकते हो, डिजिटल वर्ल्ड में काम कर सकते हो, इट कुड बी एनीथिंग। तो वो कंप्यूटर कंपनी का पार्ट बनता है। बायो में इसमें आपने अपना हैशटैग लिखा है, बायो में वी जस्ट यूज डिजिटल हैशटैग डिजिटल थिंक एसेंसी सेंस क्रिएट पेज। अब यहाँ पे मुझे ना वो सारा कुछ देगा कि मैंने एड्रेस ऐड करना है, मैंने फ़ोन नंबर ऐड करना है, मैंने जेनेरिकली कुछ भी चीज़ ऐड करनी है। जैसे हमने कल एक फ़ोन नंबर ऐड किया था जो किसी का भी नहीं था। अब ये वेबसाइट है ना, अब आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आपने करना ये है www.google.com/। इसके बाद आपने लिखना DIGITL डिजिटल थिंक एसएनसी सेंस फ़ोन नंबर। आप अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हो और आप फ़ोन नंबर वो भी अटैच कर सकते हो जो हमने कल लिखा था, जिसको था 0321234789। आप ये भी लिख सकते हो या जो आपका अपना फ़ोन नंबर आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो, सो इट कुड बी एनी थिंग। क्या चीज़ ऊपर जहाँ पे वेबसाइट का है www.google.com, और आप जो आपका बिजनेस का पेज बनता है ना आप साथ उसका एक स्लैश के साथ एड्रेस दे दो। मैंने स्लैश के डॉट लगाया था और आगे टिक आ गया था। हाँ तो कोई बात नहीं, सेंस तो मैंने अभी पेज बनाया ना, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। ये स्लैश और डॉट की बात कर रहा हूँ। तो वो कोई इशू नहीं है, वो टिक लग जाता है, उसको सिर्फ यहाँ पे एक वेबसाइट चाहिए होती है, ईमेल एड्रेस। अब जो आपने ईमेल एड्रेस अभी बनाया है डिजिटल थिंक सेंस एट द रेट gmail.com एड्रेस। अब एड्रेस जैसे मैंने वहाँ पे लिखा 100 लिंक आर्केड सूट 1 मॉडल टाउन लिंक रोड
लाहौर पाकिस्तान, पोस्टल कोड 547 00। यहाँ पे इसको ऑलवेज ओपन कर देना है एंड नेक्स्ट, ऑलवेज ओपन एंड नेक्स्ट। सर आफ्टर नंबर यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। ओके, आप तो उस पर ऐड चलाने पे आ गए हो, ऐड नहीं चलानी है सर, आपका बिजनेस पेज कंटिन्यू करें। सर इसका ईमेल आईडी एक्चुअली देनी, क्या चीज़, ईमेल आईडी जो आपने इस उसकी बनाई थी कल वो बोली देनी है। ओके, अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगा अपना लोगो एंड कवर पेज। आपका बिजनेस गूगल पर रजिस्टर्ड हो गया। आप फेसबुक पेज पे आएंगे। ये हमने वही पेज ओपन करना जो लाइक हमारे फेसबुक पे होगा। आपने उसका नाम वही रखा जो आप फेसबुक पे, जो आपका इधर गूगल बिजनेस का पेज है। सर वो क्या नंबर था? 0321 जी 4×0 789। अच्छा ये टी टी एस टेक, इसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। इनवाइट फ्रेंड्स का आएगा, यू डोंट इवन नीड टू इनवाइट एनी फ्रेंड। इसको आपने यहाँ से बस टर्न ऑन कर देना है एंड डन। अच्छा अब यहाँ पे आके ना फेसबुक के ऊपर कुछ सेटिंग्स होती हैं जो हमने करनी है। फर्स्ट आपने ये सेटिंग्स में आना है। इस सेटिंग्स में आके ना आपने सबसे पहले लेना है अपने पेज का यूज़र नेम, अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ ये आपको विद इन 14 डेज मिला, अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ मेटा की पॉलिसी के अकॉर्डिंग विद इन 14 डेज आप इसको अप्लाई करते हो, 14 डेज से पहले नहीं। जैसे हमारा है TIGITL डिजिटल थिंक, ठीक हो गया, ये मेरे पास अवेलेबल है, मैं इसको लेता हूँ, चेक करते हैं। और इसने मुझे यूज़र नेम दे दिया। अगर आप में से किसी का यूज़र नेम नहीं बनता तो परेशान नहीं होना, ये विद इन 14 डेज आपको अलाउ कर देता है। इसके बाद आपने प्राइवेसी सेटिंग्स में आना है। प्राइवेसी सेटिंग्स में आने के बाद आपने ये देखना है ये सब कुछ आपका ऑन ऑन यस पब्लिक पब्लिक होना चाहिए। फिर फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन द नेक्स्ट वन, इसमें आपका कोई भी चीज़ ना यहाँ पे नॉट अवेलेबल नहीं आनी चाहिए। ज़्यादातर आता है कि आपकी ये जो कुछ टैब होते हैं वो नॉट अवेलेबल आ रहे होते हैं, अगर ये नॉट अवेलेबल आए कोई भी टैब तो आपने फेसबुक का पेज को कंटिन्यू नहीं करना। फिर इसके बाद आपने आना है यहाँ से नीचे रिएक्शन प्रेफरेंसेस के अंदर, यहाँ पे आपने चेक करना होता है कि कोई आपको ऑलरेडी किसी ने कोई रिएक्शन तो नहीं दिया हुआ, या इस तरह के नाम पे कोई रिएक्शन पहले तो नहीं आया हुआ, अगर आया हुआ है तो आपने पेज को कंटिन्यू नहीं करना होता। रिएक्शन ये होता है कि किसी ने ना इस तरह के कीवर्ड्स को पहले ब्लैकलिस्ट किया होता और फेसबुक वो सबको दिखा रहा होता है कि ये वाले कीवर्ड्स ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड हैं, आप यूज़ करोगे तो आप भी डी रैंक हो जाओगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद वापस सेटिंग्स में आएंगे। अब फेसबुक के चले जाएंगे मेटा सूट में, वो कैसे जाएंगे, आप अपने पेज को वापस ओपन करोगे, क्लिक के बाद हम आएंगे पेज के मेटा सूट की डिस्क्रिप्शन में या मेटा सूट में। मेटा सूट यहाँ पे अवेलेबल होगा, मेटा बिजनेस सूट, आप इसको क्लिक करोगे
दोनों में डिफरेंस है। क्रिएटर स्टूडियो सिर्फ यूज़ होता है कि जब आपने मल्टीपल एड्स को चेक करना है। मेटा सूट में आप ये समझ लो कि आपका पूरा बिजनेस की बिल्डिंग है, उसके अंदर क्रिएटर स्टूडियो भी है, उसके अंदर बाकी सारे पेज की सेटिंग्स भी है। क्या अच्छा, यहाँ से ऑल टूल्स में आएंगे। ऑल टूल्स में आने के बाद आपने दो टैब्स ओपन करने हैं। कंट्रोल प्रेस करके आपने ओपन करना है व्यू पेज सेटिंग, एंड दूसरा आप ओपन कर लेंगे नीचे जाके सर्विसेज का। आपने दो टैब्स ओपन करने हैं। सो पहले हम देखेंगे जो हमारा है व्यू पेज वाला, व्यू पेज सेटिंग्स। यहाँ से आके ना आपने एडिट को क्लिक करना है। व्यू पेज सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ से आके आपने एडिट को क्लिक करना है। यहाँ पे आएगा एडिट पेज, इस पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने चेक करना है कि यहाँ पे आपकी सारी चीज़ लिखी हुई आ रही है। इफ़ येस देन इसको आप क्लोज कर दोगे यहाँ से। अगर कोई चीज़ मिस होती है आपने वो चीज़ यहाँ पे लिख देनी है। इस पूरे सेक्टर में अगर कोई चीज़ यहाँ पे मिस है तो आपने लिख देनी है, अगर कोई चीज़ मिस नहीं है तो आपने इसको यहाँ से क्लोज़ कर देना है। फिर यहाँ से आपने इसको क्लिक करना मैनेज को। मैनेज को क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने सी मोर पे आना है। सी मोर पे आने के बाद आपने एक टैब ओपन करना है बिजनेस ऐप्स का जी। हाँ तो ऐसे ही हो। अच्छा ठीक है। मैं तो आज वाकई बहुत आहिस्ता जा रहा हूँ। अच्छा चलें सही, और आहिस्ता कर लेते हैं। अच्छा एक तो ये था, एक आप बिज़नेस ऐप्स ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने ओपन करना है पेज एक्सेस। पेज एक्सेस ओपन कर लें या मॉडरेशन एक्सेस ओपन कर लें। पहले आप ओपन करें पेज एक्सेस। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, ये रिकॉर्ड हो ही तो रहा है। चलो कल पता नहीं रहेगा आज मैं कर दूँगा। आपको हर चीज़ ना एक फेसबुक के ऊपर चैनल है, फेसबुक कह रहा हूँ उसके ऊपर यू पे दैट इज चलाक CHA। आपको ना यहाँ से मिल जाएगा लेक्चर चलाक प्रोग्रामर। इस चलाक प्रोग्रामर पे ना यू कैन ईजिली हैव एवरीथिंग जो हम क्लास में किया करेंगे ना वो आपको यहाँ से मिल जाएगा चलाक प्रोग्रामर से। हमारा लेक्चर यहीं पे अपडेटेड भी है जो हमने कल किया था, कल वाले ऑलरेडी यहाँ पे अपडेटेड है। लिंक मैं अब आपको लिंक ही शेयर कर देता हूँ। मैं तो चैनल बताई थी, ये आता ही यही चैनल है, ये मैंने एक इनसे खींचा हुआ चैनल है। लेकिन पहले मैंने उसको वार्न किया था बेचारे को कि मुझे दे दो मैं पैसे ले लूँ। वो कहता है मैंने नहीं देना। फिर मैंने कहा अच्छा मेरे से ले लो फिर बात। मेरे पे कनेक्ट हो गया नहीं चला। अच्छा ये चलाक प्रोग्रामर है, इसके ऊपर जो लेक्चर जो हमने कल दो किए वो ये अपलोडेड आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी वापस आते हैं। अच्छा ये हमारे पास है पेज एक्सेस वाली सेटिंग, फेसबुक पेज एक्सेस सेटिंग।
आपने ना यहाँ से आना है क्वालिटी पेज के अंदर, यहाँ पे आपने चेक करना है कि आपको कोई इशू तो नहीं क्रिएट हुआ हुआ, पेज हैज़ नो इशू, बस यहाँ पे ये लिखाना चाहिए गुड न्यूज़ नो वायलेशन टू शो पेज रिकमेंडेशन, ये इसको कुछ नहीं करना अभी फ़िलहाल, हमने ये बस देखना है कि आपके पास पेज वायलेशन कोई इशू तो नहीं है। फर्स्ट पेज रिकमेंडेशन यहाँ से ओपन करेंगे, आपका कॉन्टेंट इज़ रिकमेंडेबल है, पेज हैज़ नो वायलेशन, ये देखना है कि आपको यहाँ पे ग्रीन मार्क मिला हुआ कि नहीं मिला हुआ, ठीक हो गया। थर्ड यहाँ से आपने इसकी कन्फर्मेशन करनी है, ठीक है, ये कन्फर्मेशन कैसे करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान, ठीक हो गया। यहाँ से आएगा कन्फर्म आइडेंटिटी, कन्फर्मेशन आइडेंटिटी को यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने अपडेट कर देना है अपना CNIC, उसकी फ़ोटो लेके यहाँ पे अपडेट कर देनी है CNIC की। पेज एक्सेस के अंदर क्या हूँ ये देखो, इशू इलेक्ट्रॉल और पॉलिटिकल एड, ठीक है, मेरी प्रोसेस में लगी हुई है, प्रोसेस है क्योंकि हमने कल पेज बनाया था तो मैंने कल ये कर दिया था, नहीं कर आज आपको बता दूंगा। इसको आप यहाँ पे करेंगे ना तो आपको अपना CNIC यहाँ पे अपडेट करना है इसका पे। हाँ कंट्री को प्रेस करो, नीचे आओ, कंट्री लिखो, नीचे आ जाओ, पाकिस्तान सेलेक्ट करो, आपके पास ये नीचे वाला ओपन हो जाएगा टैब, आ गया वहाँ पे अपने आप CNIC अपडेट करोगे तो सर वो ऑप्शन में अवेलेबल आएगा, कंफर्म वेरिफिकेशन में। उसके बाद आपका ये प्रोसेस में चला जाएगा, ठीक है, ये आपका ये प्रोसेस इस पर लग जाएगा, ये इन प्रोसेस इन प्रोग्रेस, ये वो सेटिंग्स हैं जो आपने अपने पेज के अंदर कंप्लीट रखनी है। इसके अलावा जो हमारा मेटा बिजनेस एप्लीकेशंस है ना, बिजनेस एप्स जो शो हो रही होती हैं, इसके यहाँ से ना आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आएगा बिग कॉमर्स, यहाँ पे ना इसका फ्री ट्रायल आ रहा है, इसी का जो रेप्लिका है ना हमने वो यूज़ करना है। ज़्यादा लोगों को बिग कॉमर्स अगर शो नहीं होगा तो आपको कैफ़े 24 शो होगा, आपने कैफ़े 24 को कनेक्ट कर देना है, कैफ़े 24 को कनेक्ट करना है। अब ये कैफ़े 24 है क्या वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैफ़े 24 एक ऐसी स्टोर है, या आप इसको ऐसे कह लें कि एक आपके पास एक IP है कि आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जो आपने देनी है कंपनीज़ को देनी है या बाहर के मुल्क खुद यूज़ करवानी है, कुछ भी करना है, यहाँ से आपको वो सारी सर्विसेज ऑटो कनेक्टेड मिलेंगी। अब जैसे आप यहाँ पे एक ID मांग रहे हैं, तो मुझे अपनी स्टोर ID 3 4 2 1 0 डस नॉट एग्जिस्ट यार, ये कैफ़े 24 को डबल क्लिक करेंगे ना तो आपको वो एक कैफ़े 24 की वेबसाइट पर ले जाएगा। यहाँ से जाके आपने गेट स्टार्ट फ्री कर देना है, ID आपकी बनेगी, उस स्टोर ID को आपने फेसबुक की ऐड करना बस। आप इसको कर लें साइन इन विद गूगल, पीछे रह गए, ठीक हो गया। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं इसी के ऊपर ही, उसे भी कर सकते हो या किसी भी ईमेल आईडी से कर सकते हो क्योंकि ये एक स्टोर आईडी है। अब यहाँ पे आपने अपनी आईडी देनी है, जैसे हमने स्टोर का नाम रखा है डिजिटल D 3 4 5 1 D 3 4 5, मैंने स्टोर आईडी ये रखी D 3 4 4, एक्सेप्ट क्रिएट एन अकाउंट,
वापस इस चीज़ को हम इसमें ऐड कर लेंगे। इस फ़ायदा को ये होगा कि आपके पास जो क्लाइंट्स हैं वो आपको बासानी आपको पेमेंट पे ट्रस्ट करेंगे। स्टार्ट बाय क्रिएटिंग कैफे फोर अकाउंट और रिएक्ट ऐप योर अकाउंट। अच्छा ठीक है, इसको एक्टिव कर देते हैं फिर, क्योंकि आपके क्लाइंट आप पे जब ट्रस्ट करेगा ना बाहर का, तो वो आपको कैफे 24 के थ्रू पेमेंट करेगा या आपको पेमेंट करेगा आपके एटीएम कार्ड के थ्रू, जो आप स्ट्राइप अगर आपका एक्टिवेट होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BIGIG डिजिटल बैंक एसएनसी सेंस, फ़ोन नंबर 321 सर। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका अपना ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई और नंबर देंगे तो फिर पैसे आपके नहीं निकलेंगे। अच्छा, क्योंकि ये ऑफिशियल अकाउंट होगा तो यहाँ पे ना एक्चुअली आप ये आपका सारा सेटअप क्रिएट हो गया। अब मैं नहीं, यहाँ पे आपका ओरिजिनल नंबर होगा, तो आप इजीली किसी भी बैंक को दिखा के आप अपने कैश विदड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना अपने कैश विदड्रॉ करना है। ये क्यों कह रहा है, अब तो एक्टिव हो गया। तो स्टोर एक्टिव हो चुका है, व्हाट्स द प्रॉब्लम। इसको दोबारा करके देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे फ़ोन आप अपना देंगे, क्योंकि ना ये पेमेंट विदड्रॉ मेथड है। पूरा स्टोर है, पूरा स्टोर पर चला है। ये पता नहीं क्यों नहीं एक्टिव कर रहा। क्योंकि ये साथ ही एक्टिव और कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, अगर ये कैफ़े 24 आपका भी ना काम करे ना, तो आपने करना ऐसे है, यहाँ पे ना एक और सेटिंग्स है, दैट इज़ आल्सो मच इम्पॉर्टेंट, ये वाली ECWID, आप इसको क्लिक कर दें। इस पर भी स्टोर बनता है, लेकिन ये ईजीएस्ट वे इसका भी स्टोर का है। ये दोनों पेमेंट मेथड्स हैं। अगर आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स वगैरह लेने हैं तो ये दोनों पेमेंट मेथड्स आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए यूटिलाइज होंगे। दोनों में से सिंगल वन से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो दोनों में से। अब वो कैफे 24 उसने कनेक्ट किया वाला यूज़ नहीं करने देगा। कोड 500 आ रहा। ये दो मेथड्स आपने बस कनेक्ट करने हैं, एक ही और एक ही। कैफ़े 24 हो सकता है विद इन एन आवर मुझे कनेक्ट करने दे। इसके अलावा आपने इसकी सेटिंग्स में और कुछ नहीं करना, इसके अलावा और सेटिंग्स में से कुछ नहीं, और किसी भी चीज़ को नहीं टच करना।
रीसेट हो गया, ठीक है। 24 कनेक्ट हो जाएगा मेरे ख्याल में, इट विल टेक लिटिल टाइम टू कनेक्ट दैट। ये वो सारी पेज की सेटिंग जब आप ये कर लेते हो तो आपका पेज इज़ कम्प्लीटली रेडी फॉर वर्क। ये वो कम्प्लीट सेटिंग ऑफ अ पेज है जो एक्चुअली हमें फेसबुक के साथ रिक्वायर्ड होती है। इसमें हमारी जीमेल आईडी के बाद एवरीथिंग दैट आई नीड टू ऐड। सो ये आपका कम्प्लीट वो पेज है जो आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके ये सारी सेटिंग्स ये अलग से आ जाएंगी। इसके बाद फॉलोअर्स, रिव्यूज़, मेंशन अबाउट, यहाँ पे आपके पास और चीज़ें भी अवेलेबल होंगी। ग्रो योर ऑडियंस, जब हम स्टार्ट टू वर्क ग्रो योर ऑडियंस, जब इस पे आएंगे ना ग्रो योर ऑडियंस, तो इसमें आपको वो कहेगा कि आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ऐड करना है, लेकिन हम ऐड करेंगे ऐड सेंटर से जाके। हम यहाँ से एक ऐड चलाएंगे अपनी ग्रो ऑडियंस के लिए, ये टर्म्स एंड कंडीशन आ गए। अब जैसे ये आ गया, प्लीज़ कॉन्टैक्ट एडमिन। अच्छा, ये मैंने कुछ बिल पे करना है इनका। अच्छा, लेट्स सी। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हमने सेटिंग करनी है हर पेज की। जैसे मैंने कहा कि टर्म्स एंड कंडीशन सेटिंग्स आपने एक दफ़ा ओपन करके देख लेनी है। ये हर दूसरे तीसरे दिन आपको टर्म्स एंड कंडीशन की सेटिंग्स यहाँ पर देता होगा, हर दूसरे तीसरे दिन आपके पास आएगी। तो इसको एक दफ़ा ओपन करके छोड़ देना है, जब रीड यहाँ करें बस उसको क्लिक ज़रूर कर देना कि आपने ओपन किया है। क्योंकि आप ओपन नहीं करते फेसबुक आपको क्या करेगा कि जी आप एक्टिव ही नहीं हो अपने पेज पर, तो वो ब्लॉक कर देगा, आपका एड मैनेजर ब्लॉक कर देगा। सो वी हैव टू वेरी केयरफुल कि हमारा एड मैनेजर से ब्लॉक। एड सेंटर में जाना है, एड सेंटर में जाके यहाँ पे ऊपर फ्रंट पे आएगा टर्म्स एंड कंडीशन का, नहीं आ रहा। पेज आपने क्रिएट कर लिया है? नहीं, तो आ जाना चाहिए वैसे। इसको रिफ्रेश करें, पेज आपने कब क्रिएट किया था? कल उस वक्त देखा था बस किया फिर, क्योंकि ये उसी वक्त ही देख रहा है, क्योंकि आफ्टर 24 आवर्स वहाँ से डिलीट हो जाता है। अब ये फेसबुक को कौन बताएगा? आपका जब पेज बनता है ना तो उसी वक्त ये टर्म्स एंड कंडीशन को एक दफ़ा रीड कर लो बस। नहीं तो आपको तकरीबन, अगर आपका वो चला गया होगा ना तो आपको मंडे को पीछे हो जाएगा, ठीक है? वो मंडे को आप फिर उसको रीड कर लेना। ये वो ऑफिशियल तरीका है जिसे आपने अपना पेज क्रिएट करना है। इस तरह पेज क्रिएट करने से आपका ना पेज कभी ब्लॉक होगा, ना इस ऑडियंस नीचे गएगी, क्योंकि आप ऐड रन करोगे आपके पास ऑडियंस ग्रो सबसे ज़्यादा आएगी मिनी मिनट में। आप किस किस का नहीं बना? मैं तो उर्दू की वजह से समझ नहीं आ रही। उर्दू तो अच्छी है, उर्दू अच्छी, लेकिन वो सेटिंग्स का पता नहीं चल रहा। मैं इसको अपलोड कर देता हूँ।